देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का स्पष्ट रूप से खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि माल और सेवा कर यानी कि GST परिषद 5% टैक्स स्लेब को 8% तक बढ़ाने की योजना बना रही है। परिषद की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ये खबर अटकलें और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीते कुछ महीनों से प्याज के लगातार गिरते दाम किसानों के लिए परेशानियां खड़े कर रहे हैं। ऐसे में किसान प्याज को कम दाम में बेचने पर मजबूर हो गए हैं। किसानों का कहना है कि उनके पास प्याज का स्टॉक करने की सुविधा उचित रूप से अभी नहीं है। खाद तेलों में फिर से महंगाई का तड़का लग गया है। सोयाबीन से लेकर मूंगफली के तेल में बीते 10 दिनों में 15 रुपए लीटर तक की तेजी आई है। तेल व्यापारियों की माने तो आने वाले दिनों में ये तेजी कायम रहेगी। श्रीलंका के मौजूदा वित्तीय संकट और बांग्लादेश द्वारा आयातित प्याज कर में इजाफे के बाद निर्यात पर बुरा असर पड़ा है। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक क्षेत्र नासिक से निर्यातकों का कहना है कि भुगतान में हो रही देरी की वजह से श्रीलंका को निर्यात कम हुआ है। बांग्लादेश और श्रीलंका को होने वाले प्याज के निर्यात में 4,000 से 5,000 टन की गिरावट देखने को मिली है। पिछले वर्ष किसानों को सरसों के रिकॉर्ड दाम मिले थे। इसी को देखते हुए किसानों ने अन्य फसलों की जगह सरसों और ज्यादा अहमियत दी और इसकी ज्यादा बुआई भी की। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष सरसों की बुआई में 500% तक की वृद्धि हुई है। पंजाब में कपास की खेती करने वाले किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। लगातार दूसरे साल कपास के बीजों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। बीज का पैकेट अब 810 रुपए का हो गया है। अब किसानों को एक पैकेट पर 40 रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे। सरकार ने रबी विपणन सत्र में अब तक MSP पर लगभग 14,000 करोड़ रुपए में 59.24 लाख टन गेहूं की खरीद की है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों में रबी विपणन सत्र 2022-23 में गेहूं की खरीद हाल में ही शुरू हुई है। उद्योग निकाय ASMA के अनुसार बांग्लादेश और इंडोनेशिया में बेहतर मांग के कारण सितंबर में समाप्त होने वाले चालू विपणन वर्ष में भारतीय चीनी का निर्यात बढ़कर 90 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 71 से 72 लाख टन था। MCX पर कॉटन की कीमतों में जोरदार उछाल आता दिखाई दिया है। विदेशों में कॉटन में आई तेजी के चलते घरेलू वायदा में भी तेजी और दिखाई दी है। हालांकि ऊंची कीमतों के चलते कॉटन में लिवाल थोड़ा कम होता दिखाई दिया है। अमेरिका के टेक्सास में सूखे मौसम के चलते विदेशी बाजारों में कॉटन में तेजी आई है। लोहे के दाम में तेजी से हो रहे उतार चढ़ाव बाजार को परेशान करने लगा है। बीते दिनों की स्थिरता के बाद सप्ताह भर से सरिये के दाम फिर उछाल देखा गया है। रमजान के कारण अभी बाजार में लेवाली सीमित है, लेकिन ईद के बाद मांग निकलते ही सरिया के दाम 90,000 प्रति टन तक पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।